मुरादाबाद के लाइन पार स्थित रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। लाइन पार रामलीला मैदान में आज रामलीला मंचन के दूसरे दिन भगवान वाल्मीकि की लीला और रावण के जन्म का मंचन आयोजित हुआ। रामलीला मंचन देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु लाइन पार स्थित रामलीला मैदान पहुंचे। रामलीला को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि 20 सितंबर से लाइन पार रामलीला मैदान में मुकुट पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ हो चुका है और आज दूसरे दिन रामलीला का मंचन जारी रहा। रामलीला के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए पुनीत जैन ने बताया कि मुरादाबाद की रामलीला लाइन पार स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित हो रही है। आज का मंचन वाल्मीकि लीला और रावण का जन्म का चल रहा है। रामलीला की रचना कैसे हुई, रामायण की रचना कैसे हुई, क्या हुआ, ब्रह्मा जी और नारद का संवाद हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की रामलीला बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। सुंदर स्वरूप में टीवी कलाकार राहुल कुमार और उनकी पूरी टीम श्री राम सिंह कुंती कला संगम मंच मुरादाबाद का बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन के साथ कल से ये प्रारंभ हुई है और आज इसका दूसरा दिन है। आज का कार्यक्रम वाल्मीकि लीला और रावण का जन्म, रामलीला की रचना कैसे हुई, रामायण की रचना कैसे हुई, क्या हुआ, ब्रह्मा जी और नारद का संवाद हुआ और महर्षि वाल्मीकि जो बहुत ही विद्वानी, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही बोध ज्ञान के भंडार जिनमें भरा हुआ है, सारे रसों को ज्ञान करते हैं, करुणा रस, वियोग रस, हास्य रस, सारे ही रसों का ज्ञान करते हुए ऐसे रस का व्याख्यान से वो ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे ऐसे शख्स को कि जिसके ऊपर वो इस ब्रह्मांड में उनकी रचना कर सकें। तभी नारद जी उनके सम्मुख आते हैं और उनसे ऐसे ही रचनाकार की, ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और ब्रह्मा जी साक्षात उन्हें दर्शन देकर बताते हैं कि आप राम के चरित्र पर अपने व्याख्यान करिए, अपना काव्य लिखिए और वो काव्य शुरू कर देते हैं क्योंकि वो भविष्य के ज्ञानी, पूर्व में ही ज्ञान अनुमान उस सारी कथा का वाचन कर देते हैं। अच्छा, ज़्यादा श्रद्धालु भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस बार? जी हाँ, बहुत श्रद्धालु हैं। 2022 की ये रामलीला बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर रूप और स्वरूप में टीवी कलाकार राहुल कुमार और उनकी पूरी टीम श्री राम सिंह कुंती कला संगम मंच मुरादाबाद का बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन के साथ कल से ये प्रारंभ हुई है, यानी 20 तारीख से, और आज 21 तारीख को दूसरा दिन आज की